हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम मोमोज बनाने जा रहे हैं, जिसको मैं प्यार से मोमो बोलती हूँ, सब भी बोलते हैं मोमो। और ये बहुत ही हेल्दी होता है अगर इसमें मैदे का यूज ना करके आटे का किया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है खाना। लेकिन बाहर खाने में दिक्कत ये होती है कि नॉन वेज भी साथ में वो लोग रखते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूँ। तो चलिए, हम धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट करके आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम ही को सूट करना है और हम ही को जो है बनाना भी है। तो चलिए, इसमें है, बता देते हैं, इसमें है पत्ता गोभी है, कद्दूकस कर लिए हैं, गाजर है कद्दूकस किया हुआ है, शिमला मिर्च है और मिर्च भी है, और थोड़ा सा इसमें हरा प्याज है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस इतना ही है। आप चाहे तो चाहे जितना डाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हीट दे रहे हैं, ज्यादा नहीं करना है, ये थोड़ा सा हल्का सा हीट देना है इसमें, और नमक वगैरह डाल के सब कुछ इसको सेट कर देना है। थोड़ा सा देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसमें हमको हीट पे रखना है और चलाते रहना है। ठीक है, मिलते हैं आगे। ये हमारा तैयार हो गया है आटा, आटे का डो मैंने तैयार कर लिया। इसमें ध्यान ये देना होता है कि आपको गर्म पानी में गूंथना है और सॉफ्ट गूंथना है, ठीक है। और इधर से ये तैयार हो गया है हमारा, ये बंद कर दिए हैं हम इसकी हीट को, अब इसको हम बनाने के बाद मिलते हैं। तो ये बन रही है मोमो की चटनी। चटनी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, इसमें मैंने 4 टमाटर छोटा छोटा लिया है, और कम से कम 10 से 12 या 15 के आसपास लाल मिर्च है साबुत वाली, इसको बॉयल करना है। देखिए, हम इतने आलसी इंसान हैं, कटोरी में चाय बना रहे हैं, क्योंकि पैन धुला नहीं गया है और धुलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। लग रहा है हाथ में पानी बहुत ज्यादा ठंडा, और इधर बॉयल हो रहा है हमारी चटनी मोमो। रेडी फॉर मोमो। अब भरेंगे इसमें, खूब पतला पतला इसको बनाना है, खूब पतला पतला, जितना हो सकता है उतना पतला होना चाहिए। मोमो को कैसे फोल्ड करते हैं ये दिखाते हैं। ये इसमें ले लिए हैं हम। इसके बाद ऐसे देखिए, इस तरह से बन गया हमारा मोमो। एक और देखिएगा, ये लंबा, जो लंबा वाला मोमो होता है वो कैसे होता है, कैसे इसको फोल्ड किया जाता है। ऐसे हम ले लिए हैं, इसके बाद इसको किनारे से, मतलब ये हाफ हाफ साइड में होता है ना, जैसे ये देखिए दोनों साइड में ऐसे कर लिए। इसके बाद यहां से पकड़ेंगे, एक प्लेट इधर से लगाएंगे, फिर एक इधर से, 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 और फिर इधर। देखिए, ये हो गया हमारा मोमो। ये लंबा वाला है, ये है गोल वाला, दोनों तरीके से कैसे बनता है आपको हमने बता दिया। अब हम बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये जैसे मैंने लिया थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसको हमको लंबा सा करना है, इसको लंबे से कैसे मोड़ेंगे, तो देखिएगा इस तरह से होए, इधर से हम इसको फोल्ड करते हैं, इसके बाद ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से दोनों साइड से लेते हुए हमको फोल्ड करना होता है। तो ये बन गया मोमोज, देखिएगा। एक गोल वाला दिखाते हैं, यहाँ पे शायद कैमरा अच्छा सेट हो गया है या आपको दिख पा रहा होगा। देखिए,
वैसे ना ये घर पे बना रहे हैं इसलिए बड़ा बना रहे हैं, खाने में अच्छा लगेगा, बेचना तो है नहीं। तो ये है, हमको गोल वाला बनाना है, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये निकल रहा हो तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर दो, ऐसे 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 करते हुए ये इसको राउंड से कर दो, इसका शेप आ गया अच्छे से, देखिए। देखिएगा हमारे पास नहीं है इसका मोमोज का वो, तो हम ये रखे हुए हैं, पानी स्ट्रीम हो रहा है, इसके बाद इस पे रखे हैं हम छलनी वाला जो आता है वो, और इसको ऊपर से ढकेंगे, तो जुगाड़ ही है, जुगाड़ में बनाएंगे और खाएंगे, मिलते हैं पकाने के बाद। तो ये देखिएगा दूसरा भी, जो एक एक तो रख दिए हैं, दूसरा भी तैयार हो गया है, ये देखिए मोमो मोमो मो। इसका शेप देखिए, आकार देखिए, प्रकार देखिए, बना कैसे है ये, कितना डिजाइन में इसका सब बहुत अच्छे से डिजाइन आया है। तो चलिए मिलते हैं, अभी मुझे ना चटनी तैयार करनी है। हाँ, आप लोगों से बताते, हाँ, और ये चीज़ ये दिखाते हैं आपको, देखिए, या ये मोमोज जो है स्टीम हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये मोमोज दानी नहीं है, इसमें मोमोज पकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसका स्टीम किनारे से निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये पक जाएगा, फिर भी आराम से पक जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं हम चटनी बनाने जा रहे हैं। तो चटनी में देखिए ये चीज़ें तैयार हैं, अभी थोड़ा सा इसमें लहसुन और अदरक भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम जार में रख लेते हैं पीसने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये है चटनी का सामान, देखिएगा इसमें है चटनी, ये जो मिर्चे को उबाला था, टमाटर को उबाल, टमाटर के छिलके को मैंने अलग कर लिया है, और इसमें 3 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और इसमें जाएगा नमक। अब इसको करेंगे ग्राइंड, चटनी को करने वाले हैं फ्राई, और फ्राई के लिए ये देखिएगा गरम हो रहा है पैन में, लहसुन है और थोड़ा सा राई का तेल, इसमें जाएगी ये चटनी, ये यहाँ हमारी चटनी तैयार है, देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको अब इसमें डालेंगे, चलिए मिलेंगे आपसे इसको थोड़ा सा सेट करने के बाद। फाइनली ये हो गया बनके तैयार, लव मोमोज, मोमो टन 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 टन। तो ये रहा फाइनली मोमोज का आज की रेसिपी, और हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो मोमोज बनाने की जो भी प्रक्रिया आपको दिखाई दी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये वीडियो मैं बहुत मुश्किल से शूट कर पाई हूँ, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम होता है बनाने में, और साथ में शूट करते रहना तो अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा है। तो आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हौसला अफजाई करेंगे हमारा, कि ये मोमोज आपको कैसा लगा, कैसा बना है, और जो मैंने ट्रिक बताया है बनाने का, ट्रिक तो नहीं वैसे ही बनता है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा, दोनों तरीके से, गोल शेप में भी और लंबे शेप में भी, दोनों तरीके से आप लोगों को पसंद आया, कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और साथ ही अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन जब भी वीडियो जाए तो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।